प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल हैं प्यारे बच्चों के? आप सब बच्चे, कौन बच्चा रो रहा है? अरे कौन बच्चा रो रहा है? नहीं, रोते नहीं हैं। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो रोते नहीं हैं, वो तो पढ़ने जाते हैं। आप भी अच्छे बच्चे हो, आप भी स्कूल में पढ़ने आए हो, ठीक है? आप जब छोटे से थे इतने मुन्ने से, फिर आप मम्मा के पास रहते थे, है ना? फिर आप मम्मा की गोद में रहते थे। अब आप इतने से तो नहीं हो, अब तो आप इतने बड़े हो गए हो, है ना? आप इतने बड़े हो गए हो। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो बच्चे स्कूल जाते हैं। आप भी स्कूल आ गए हो, इसलिए स्कूल में पढ़ने आते हैं, और स्कूल में पढ़ने आने के लिए रोते नहीं हैं। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, ठीक है? हम अब स्कूल में रोज़ाना आएंगे, और रोज़ाना हमारी टीचर, हमारे टीचर हमको पढ़ाएंगे। मैं कौन हूँ? मैं आपका टीचर हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आपका टीचर हूँ। आप मुझे कह सकते हैं सर। क्या बोलेंगे आप मुझे? सर। और ये हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास है। मैं टीचर हूँ, ये हमारी क्लास है, ठीक है ना? और ये बोर्ड है, इसको हम बोर्ड बोलते हैं। जिस पर आप बैठे हुए हैं वो डेस्क है, ठीक है? आप सब अपनी अपनी डेस्क पर बैठे हैं। मैं कौन हूँ? मैं टीचर हूँ। कौन हूँ? टीचर, ठीक है? और मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा? सब बच्चे गौर से देखें, मैं आपको ये वाली किताब पढ़ाऊँगा, ठीक है? कौन सी किताब पढ़ाऊँगा? ये वाली। ये उर्दू की किताब है। कौन सी किताब है? उर्दू की। ये अलिफ बे की किताब है। मैं जब क्लास में आऊँगा तो आप ये वाली किताब सब अपने बैग से निकालेंगे, ठीक है? और फिर इस वाली किताब में से हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मज़ा आएगा बहुत। हम खेलेंगे भी क्लास में, है ना? आप खेलोगे? मैं भी खेलूँगा। ये कौन सी बुक है? ये उर्दू की बुक है। कौन सी बुक है? उर्दू की बुक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम अलिफ़ बे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलिफ़ बे पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अलिफ़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, ऐसे अगर एक सीधी लाइन खींची जाएगी ऐसे, तो ये है अलिफ। क्या है? अलिफ। ऊपर से ऐसे लाइन बनाई और नीचे ऐसे लाइन खींच दी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये है अलिफ, ठीक है? ऊपर से ऐसे लाइन खींचेंगे नीचे की तरफ, तो क्या बन जाएगा? अलिफ बन जाएगा। अलिफ से क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है? अलिफ से अनार आता है। अलिफ से अनार, मैं बोलूँगा, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे पीछे पीछे, ठीक है? अलिफ से अनार, बोले? शाबाश। अलिफ से अनार, शाबाश। अलिफ से अमरूद। अलिफ से क्या आता है? अमरूद भी आता है, और अलिफ से अनार भी आता है, ठीक है? अलिफ से क्या आता है? अमरूद।
अलिफ से क्या आता है? अनार। चले मैं बोलूँगा, अब आप मेरे साथ पढ़िएगा। अलिफ से अनार, ताली बजा के साथ साथ पढ़ें। अलिफ से अनार, अलिफ से अनार, अलिफ से अनार, अलिफ से अमरूद, अलिफ से अनार, अलिफ से अमरूद, अलिफ से अनार, अलिफ से अमरूद। आपने अमरूद खाया है? अमरूद भी खाते हैं और अनार भी खाते हैं। अनार लाल रंग का होता है, उसमें से दाने 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 बहुत सारे निकलते हैं, फिर हम वो दाने दाने खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो अनार किससे आता है? अलिफ से अनार आता है, अलिफ से अनार, अलिफ से अमरूद। ठीक है, और आपकी बुक में क्या चीज़ है अलिफ से जो आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। वाओ, ये देखिए, ये आपकी बुक में अलिफ से क्या आया हुआ है? ये आया हुआ है अलिफ से अनन्नास। हुई हुई, ये तो बहुत मुश्किल है। आपने खाया है अनन्नास? आपने डब्बे वाला अनन्नास खाया है ना? ठीक है, हम बोलते हैं अलिफ से अनन्नास। बोलें अलिफ से अनन्नास, बोलिए, शाबाश। अलिफ से अनार, बोलिए, अलिफ से अनार, शाबाश। बोले फिर अलिफ से अंडा। अरे वाह भाई वाह, अलिफ से तो अंडा भी आता है। कौन कौन अंडा खाता आप में से? आप खाते हो? और आप भी खाते हो? शाबाश, जो अंडा खाता है ना वो मोटा हो जाता है, मेरे जैसा मोटा हो जाता है। अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर, बोलें सब, अलिफ से अंगूर, शाबाश। अब हम ये चार लफ्ज़ पढ़ेंगे बार बार, ठीक है। अलिफ से अनन्नास, शाबाश। अलिफ से अनार, शाबाश। अलिफ से अंडा, शाबाश। अलिफ से अंगूर, ठीक है। हमने ये चार तस्वीरों के बारे में सीख लिया। अलिफ से अनन्नास, अलिफ से अनार, अलिफ से अंडा और अलिफ से अंगूर। अनन्नास, अनार, अंडा और अंगूर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मैं पढ़ूंगा, आप साथ साथ मेरे दोहराएंगे, ठीक है। अलिफ से अनन्नास, बोले, शाबाश। अलिफ से अनार, शाबाश। अलिफ से अंडा, शाबाश। अलिफ से अंगूर, शाबाश। ठीक है, आसान है, मुश्किल है? बहुत आसान है, पढ़ना तो बहुत आसान होता है। ठीक है, ताली बजा के पढ़ेंगे, 1 2 3 4 ऐसे। अलिफ से अनार, ठीक है, ऐसे। अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर, ठीक है। अलिफ से अंडा, ठीक है। अलिफ से अनन्नास, देखो चार दफ़ा ताली बजानी है और चार दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। अलिफ से अनार, करें, शाबाश 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 शाबाश, मेरे साथ करें, मेरे साथ, 1 2 3। अलिफ से अनार, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनन्नास। देखा, ऐसे साथ साथ पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, दोबारा से, अलिफ से अनार, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनार, अलिफ से अंडा, अलिफ से अनन्नास, अलिफ से अंगूर। ठीक है, शाबाश। अब बग़ैर ताली के पढ़ेंगे, अब ताली कोई भी नहीं बजाएगा, ठीक है। अलिफ से अनन्नास,
पढ़ें। शाबाश। अलिफ से अनार, शाबाश। अलिफ से अंडा, शाबाश। अलिफ से अंगूर, शाबाश। ठीक है, अब ताली के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, चार दफ़ा ताली बजाएंगे। अलिफ से अनार, शाबाश। अलिफ से अनन्नास, शाबाश। अलिफ से अंगूर, शाबाश। अलिफ से अंडा, वेरी गुड। ठीक है, मेरे साथ सब ताली बजाएंगे और सब मेरे साथ पढ़ेंगे। 1 2 3 अलिफ से अनन्नास, शाबाश। अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंडा, अलिफ से अनन्नास, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनन्नास, अलिफ से अनार, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनन्नास, अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंडा। शाबाश। ठीक है, चार चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सब लोग ऐसे बनाओ चार, मुश्किल लग रहा है, बनाओ बनाओ, कोशिश करो, ऐसे ऐसे एक हाथ से। हमने पढ़ा अनन्नास, अलिफ से अनन्नास, अलिफ से अनार, अलिफ से अंडा, अलिफ से अंगूर। चारों चीज़ें खाते हैं हम, मोटे हो जाता, बहुत सारी चीज़ खाते हैं, अनार, अनन्नास भी खा लेते हैं, अंगूर भी खाते हैं। अंगूर खाए आपने, कितने प्यारे होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल। ठीक है, आप पढ़ेंगे दोबारा से। अलिफ से अनन्नास, अलिफ से अनार, शाबाश। अलिफ से अंडा, शाबाश। अलिफ से अंगूर, शाबाश। ठीक है, अब ताली बजा के पढ़ेंगे। 1 2 3 अलिफ से अनन्नास, शाबाश। अलिफ से अनार, शाबाश। अलिफ से अंडा, शाबाश। अलिफ से अंगूर। वाओ, ज़बरदस्त, सब बच्चों को पढ़ना आ रहा है। हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं अलिफ। क्या सीख रहे हैं, अलिफ कैसे लिखते हैं, अलिफ ऐसे ऊपर से लाइन बनाते हैं और ऐसे ऊपर से लाइन। आप सब भी बनाइए, ऐसी उंगली से बनाएं ऊपर, ऐसे सब लोग करें ऐसे मेरे साथ, शाबाश। ऊपर से ऐसे नीचे लेकर आएँ, शाबाश। ये क्या है, अलिफ ऐसे बनाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे ऊपर से कहाँ लाते हैं नीचे की। आसान होता है बहुत अलिफ, तो अलिफ मुश्किल नहीं होता है, अलिफ बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, चलें अब हम दोबारा पढ़ेंगे। अलिफ से अनन्नास, शाबाश। अलिफ से अनार, शाबाश। अलिफ से अंडा, शाबाश। अलिफ से अंगूर, शाबाश। फिर पढ़ेंगे दोबारा से, ठीक है। अलिफ से अनन्नास, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंडा, शाबाश। अलिफ से अनार, शाबाश। ठीक है, आप ताली बजा के पढ़ेंगे दोबारा से। 1 2 3 अलिफ से अनन्नास, शाबाश। अलिफ से अनार, शाबाश। अलिफ से अंडा, शाबाश। अलिफ से अंगूर। कौन कौन बच्चा अंगूर खाता है? मैं भी बहुत अंगूर खाता हूँ, मुझे को बहुत अच्छे लगते हैं अंगूर। आपको अच्छे लगते हैं अंगूर? कैसे कलर के होते हैं अंगूर? ग्रीन कलर के भी होते हैं,
और येलो कलर के भी होते हैं। और अंडा कैसा होता है? अंडा तो वाइट कलर का होता है ना। मुर्गी अंडा देती है? आपकी मुर्गी अंडा देती है? आपके पास मुर्गी है? कितने बच्चों के पास मुर्गी है? हाथ खड़ा करें। किन किन के घर में मुर्गी है? मुर्गी अंडा देती है। अलिफ से अंडा आता है। अलिफ से अंडा आता है। अलिफ से अंगूर भी आता है, ठीक है, और अलिफ से अनन्नास भी आता है, ठीक है। पाइन एप्पल भी बोलते हैं हम। अनन्नास उर्दू में बोलते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं पाइन एप्पल। क्या बोलते हैं? पाइन एप्पल, ठीक है। तो अनन्नास उर्दू में अनन्नास और इंग्लिश में पाइन एप्पल। आपने पाइन एप्पल तो खाया होगा, है ना। पाइन एप्पल का तो केक भी होता है, और पाइन एप्पल केक बच्चों को बहुत पसंद होता है। वो डब्बे में भी आता है पाइन एप्पल, ठीक है। तो सारे बच्चे जो है वो खूब खाया करें। जो बच्चे खाना खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वो ताकतवर हो जाते हैं। जो बच्चे पापड़ खाते रहते हैं, उनमें ताकत नहीं आती, ठीक है। अलिफ से अंडा खाना है। सब बच्चे खाएंगे अलिफ से अंडा? जी यस, बोला करें जी सर, ठीक है। आप लोग अलिफ से अंडा खाएंगे, बोलिए। शाबाश। क्या आप लोग अलिफ से अनार खाएंगे? शाबाश। क्या आप लोग अलिफ से अनन्नास खाएंगे? शाबाश। क्या आप अलिफ से अंगूर खाएंगे? शाबाश। अब हम आखिरी बार पढ़ेंगे दोबारा से, ठीक है। अलिफ से अनन्नास, अलिफ से अनार, शाबाश। अलिफ से अंडा, शाबाश। अलिफ से अंगूर, शाबाश। चलें भाई सारे बच्चे अब निकाल लें ये वाला पेज, ठीक है। अब हम इसमें कलर भरेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कलर भरूंगा अनार में, ठीक है। तो अलिफ से क्या आता है? अनार। तो अनार में हम कलर भरते हैं। कोई बच्चा भी कलर बाहर नहीं निकालेगा इस लाइन से, जो लाइन है, लाइन से बाहर ऐसे नहीं निकालेगा। ये तो गलत हो गया। सही, ये जो लाइन से बाहर कलर निकल गया ये गलत हो गया है। लाइन के अंदर अंदर कलर भरना है। सारे बच्चे लाइन के अंदर अंदर कलर भरेंगे, ठीक है। अलिफ से अनार आता है। अलिफ से अनार। अनार रेड कलर का होता है, लाल रंग का। हम अनार में रेड कलर भर रहे हैं। सारे बच्चे भरेंगे और कोई भी बच्चा लाइन से बाहर नहीं निकालेगा। आहिस्ता आहिस्ता हाथ चलाएंगे। जो बच्चे तेज़ तेज़ हाथ चलाएंगे उनका कलर लाइन से बाहर निकल जाएगा। हमको लाइन से बाहर कलर नहीं निकालना है, ठीक है। तो हमने ये भरा रेड कलर, अनार के अंदर रेड कलर भर दिया। और अनार के इस वाले हिस्से में भी रेड कलर ही भर दीजिए, क्योंकि अनार तो पूरा रेड होता है। अनार खाने से जान बनती है। जो बच्चे अनार खाते हैं शौक से, उनकी जान बन जाती है। अलिफ से अनार आता है। अनार के अंदर दाने भी होते हैं, ठीक है। अभी हम दूसरा अनार जो है, ये पूरा साबित अनार है, और ये वाला अनार जो है वो आधा अनार है, कटावा। इसमें भी हम कलर भरते हैं अनार में। भाई अनार में कलर भरना है और कलर लाइन से बाहर नहीं निकालना है किसी बच्चे को भी। सब बच्चे कलर लाइन के अंदर अंदर भरेंगे। अनार के जो दाने हैं वो भी रेड कलर के होते हैं, उसमें भी रेड कलर भर दें, ठीक है। कलर सब बच्चे लेकर आया करें, और रेड कलर हम अनार में भरेंगे। अलिफ से अनार में, अलिफ से अनार। क्या है ये? अलिफ से अनार। कौन से कलर का होता है अनार?
रेड कलर का, वाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल ऐसे नहीं घुमाएंगे, ऐसे ऐसे सीधे सीधे हाथ चलाएंगे, हाथ टेढ़ा मेढ़ा करने से कलर ख़राब हो जाता है। और ये कलर मैंने गलत भरा है, ये देखो ये बाहर निकल गया ना, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये कलर अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। चले अलिफ से अनार भर दिया, अब हम भरेंगे अलिफ से अनन्नास में कलर, किस में भरेंगे, अनन्नास में भरेंगे कलर, ठीक है, चलिए भरते हैं। तो अनन्नास में येलो कलर भरेंगे, पीला रंग होता है अनन्नास, पीले रंग का होता है, बाहर से तो वो ग्रीन कलर का होता है लेकिन अंदर से वो येलो कलर का होता है, तो हम इसमें बाहर ग्रीन भी भर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें येलो कलर भरना सिखाता हूँ। अलिफ से अनन्नास, अनन्नास खाने से सब बच्चे सेहतमंद होते हैं, अनन्नास बहुत अच्छा फ्रूट होता है, अनन्नास का इंग्लिश में इसको पाइन एप्पल बोलते हैं, पाइन एप्पल का केक भी आता है, बहुत सारे बच्चों की सालगिरह पे पाइन एप्पल का केक आता है, मुझको भी पाइन एप्पल पसंद है, कौन कौन से बच्चे हैं जिनको पाइन एप्पल पसंद है, ठीक है। उसके बाद इसके जो पत्ते हैं उसमें हम भरेंगे ग्रीन कलर, हरा रंग भरेंगे, ठीक है, उसमें हम भरेंगे ग्रीन कलर यानी हरा रंग, बाहर नहीं निकालिएगा लाइन से भाई, सारे बच्चे एहतियात करेंगे, कलर ऐसे भरेंगे कि कलर लाइन से बाहर नहीं निकले, और बहुत ज़्यादा दबा के नहीं भरेंगे, पेंसिल की नोक टूट जाएगी, वरना पेंसिल की नोक नहीं टूटनी चाहिए, सब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता हाथ चलाएंगे, ठीक है जी। ये हमने भर दिया ग्रीन कलर, अब हम कलर भरेंगे कौन सा कलर भरेंगे, अब हम अंगूर में कलर भरते हैं, किस में भरते हैं, अंगूर में। तो अंगूर तो होते हैं ग्रीन कलर के, तो यहाँ पे इसमें भरते हैं ग्रीन कलर हल्के हाथ से, और पत्तों में भरेंगे भी ग्रीन कलर, लेकिन वो ग्रीन कलर भरेंगे गहरे हाथ से यानी दबा दबा के, ठीक है। अंगूर में ग्रीन कलर हल्के हाथ से भरेंगे, ऐसे 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 गोल गोल घुमा के, सारे अंगूर गोल होते हैं ना, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंगूर गोल गोल होते हैं, खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं, अंगूर को सुखा के किशमिश भी बनाते हैं, पता है आपको, किशमिश बनाते हैं अंगूर को सुखा के, बड़े वाले अंगूर को सुखा देते हैं फिर वो सूख के बन जाती है किशमिश, ठीक है। अभी हमने अंगूर अलिफ से अंगूर में कलर भर दिया, ठीक है, अलिफ से अंगूर में ग्रीन कलर भरा है, और अब उसके पत्तों में भी हम थोड़ा डार्क कलर भरेंगे, कैसा कलर भरेंगे, डार्क, थोड़ा दबा दबा के भरेंगे ताकि पत्ते जो है वो ग्रीन होते हैं, हरा रंग होता है पत्तों में, और अंगूर में भी हरा रंग होता है, ठीक है। अब हम अंडे में कौन सा कलर भरें, अंडे में वाइट कलर, वाइट तो ये है, ये तो पहले से ही वाइट है, इसमें कलर नहीं भरते फिर हम, ठीक है। हमने अनन्नास अलिफ से अनन्नास में कलर भर लिया, अलिफ से अनार इसमें कलर भर लिया, अलिफ से अंडा, अंडे में कलर नहीं भरा, अंडा वाइट होता है, सफ़ेद ही रह दिया, और अलिफ से अंगूर, अंगूर में भी हमने कलर भर लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे पेंसिल से, अब हम पेंसिल से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी ये वाली उंगली इस अलिफ पर फेरें, कैसे फेरते हैं अलिफ पे, ऊपर से लेके नीचे तक, ऐसे सब बच्चे ऐसे अलिफ ऊपर से लेके नीचे तक उंगली फेरेंगे, ठीक है। ये जो अलिफ है ऊपर, ऊपर से शुरू करेंगे और कहाँ तक लेकर आएंगे, नीचे तक, ये वाली उंगली आएगी ऐसे करके ऊपर से नीचे, ठीक है। अच्छा, अब अलिफ लिखेंगे कैसे, हम पेंसिल निकालिए, सब बच्चे निकालें पेंसिल, पेंसिल निकाल के यहाँ से लिखेंगे अलिफ, ऐसे पकड़ते हैं पेंसिल, एक
अंगूठा यहाँ रखते हैं, ये वाली चीज़ यहाँ रखते हैं, ये वाला यहाँ रखते हैं, और ये तीसरी उंगली तीन उंगलियों से पकड़ते हैं। कितनी उंगलियों से पकड़ते हैं? तीन उंगलियों से पकड़ते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हमको पेंसिल पकड़ना भी आपको सही से आनी चाहिए, कोई बच्चे यूँ पकड़ रहे हैं ऐसे नहीं पकड़ेंगे, पेंसिल पकड़ेंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? ये ऊपर से नीचे की तरफ अलीफ बनाइए। शाबाश, सारे बच्चों ने बना लिया, गुड। फिर इसके बराबर में भी एक अलीफ और बनाइए, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींचते हैं। शाबाश, सब ने बना लिया, गुड। अब एक और बनाइए, शाबाश, बहुत अच्छा बना रहे हैं आप, सारे बच्चे जो है वो अच्छा अलीफ बनाया करें। फिर एक और अलीफ बनाया, ठीक है, सब बच्चों ने बना लिया। ये अलीफ से क्या है? अनन्नास। बोलो, अलीफ से अनन्नास, अलीफ से अनार, अलीफ से अंडा, अलीफ से अंगूर, ठीक है। अलीफ से अनन्नास, अलीफ से अनार, अलीफ से अंडा, और अलीफ से अंगूर, ठीक है। अब ये जो दो लाइनें हैं नीचे वाली, ये दो लाइनें आप सारे बच्चे घर से होमवर्क करके लेकर आएंगे। ऐसे सीधी लाइन खींचना है। हम बराबर में भी लाइन खींच सकते हैं, इसके बराबर में भी मैं बना सकता हूँ अलिफ एक और, ऊपर से लेके नीचे तक, शाबाश, ठीक है। इसके बराबर में भी बना सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, लाइन से नीचे नहीं उतरना है, शाबाश। इसके बराबर में एक और बना सकते हैं, अलिफ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, शाबाश। अब एक और बना लें यहाँ बराबर में, ऊपर से लेके नीचे, शाबाश, ऊपर से लेके नीचे, शाबाश। एक और बनना है इसके बराबर में, ऊपर से लेके नीचे, शाबाश। एक और बनना है ऊपर से लेके नीचे, शाबाश। एक और बनना है ऊपर से लेके नीचे, शाबाश, ठीक है। अब हम एक और बनाएंगे यहाँ पर आखिरी में, ऊपर से लेके नीचे, ठीक है। तो ऊपर की लाइन भी बनानी है आपको, इससे जो ऊपर वाली लाइन है उसमें भी आपको लिखना है, इससे जो नीचे वाली लाइन है इसमें भी आपको लिखना है, और ये जो लाइनें हैं दो, इन दो लाइनों में घर से लिख के लेकर आना है, ठीक है। ये वाली जो दो लाइनें हैं इसमें अलिफ आप घर से लिख के लेकर आएंगे, ठीक है। चलें बस।